फिर सक्रिय हुआ नया चक्रवाती तूफान, भीषण तूफानी बारिश का अलर्ट, मानसून ताजा अपडेट। दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज में, मैं हूं आपका दोस्त नवीन शर्मा। हम बात करें मौसम विभाग के ताजा अपडेट की, तो क्या अपडेट है चलिए जान लेते हैं। यदि आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे कि अपडेट रहे आप देश की सभी कैटेगरी खातों से अपडेट एवं अलर्ट। दोस्तों मौसम विभाग ने बड़ा अपडेट जारी कर दिया है और 10 से लेकर 12 जून तक देश में भारी बारिश का अलर्ट जारी हो चुका है। तो किन क्षेत्रों को रहना है सतर्क, क्या है मानसून का ताज़ा अपडेट, चलिए जान लेते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों दस्तक दे दी है मानसून ने और कुछ राज्यों में धूल भरी आंधी को लेकर भी अलर्ट जारी हुआ है, कुछ में बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी हुआ है। साथ ही सक्रिय हुआ है नया चक्रवाती तूफान। दोस्तों मौसम के मिजाज में हो रहे परिवर्तन कई तरह से संकट पैदा कर रहे हैं। अम्फान और निसर्ग चक्रवाती तूफान के बाद अब फिर एक तूफान ने दस्तक दी है। दरअसल ये तूफान बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहा है, इसके बाद हालात को देखते हुए मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है और इसका नाम रखा गया है दोस्तों गति। यह तूफान चक्रवाती अम्फान के मुकाबले बहुत कमजोर है और इससे हानि की संभावनाएं भी कम है। आने वाले 24 घंटों में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर बारिश जारी रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत, ओडिशा के दक्षिण तटीय हिस्से, आंध्र प्रदेश, केरल तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, गुजरात के दक्षिण हिस्से और तमिलनाडु कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है। अगर पूर्वी राजस्थान की बात करें तो कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी या गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी हिस्सों में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। दिल्ली समेत मैदानी हिस्सों में तापमान बढ़ने के आसार है। तो दोस्तों नया चक्रवाती तूफान गति सक्रिय हो रहा है जिससे फिर प्रभावित होगा संपूर्ण देश का मौसम। और आपको बता दें कि मानसून के बादल जो है केरल में आना एकत्रित हो चुके हैं और जल्द ही वह आगे बढ़ेंगे इस तूफान के साथ। तो देश में जो है कुछ क्षेत्रों में तो भीषण बारिश होगी, कुछ क्षेत्रों में आंधी तूफान चलेंगे और कुछ क्षेत्रों में जो है तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है 10 से लेकर 12 जून के बीच। सोमवार को कई राज्यों में हल्की बारिश के कारण तापमान में गिरावट देखने को मिली, वहीं उत्तर भारत के राज्यों में अधिकतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हुई। भारतीय मौसम विभाग IMD ने कहा है कि राज्य में सोमवार को छिटपुट वर्षा या गरज चमक के साथ छींटे पड़े हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 24 घंटों में कई राज्यों में हल्की बारिश हो सकती है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान पश्चिम उत्तर और मध्य भारत के राज्यों में अधिकतम तापमान में 2 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों के दौरान देश के बाकी हिस्सों में तापमान में अधिक बढ़ोतरी की संभावना है। कहां कहां होगी बारिश? दोस्तों मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक इसके प्रभाव में ओडिशा, उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, उत्तर कोंकण और केरल में 10 से लेकर 12 जून के दौरान व्यापक वर्षा होने की संभावनाएं हैं। साथ ही महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और दक्षिण मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में 11-12 जून के दौरान छिटपुट स्थानों पर वर्षा हो सकती है आंधी तूफान के साथ। दिल्ली में नहीं चलेगी लू। दिल्ली में सोमवार को तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है जो कि सामान्य से 3 डिग्री कम है। आने वाले दिनों में इसमें कुछ डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम कार्यालय ने कहा है कि मंगलवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और तेज सती हवाएं 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक चलने की उम्मीद है। साथ ही कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है, यहाँ 15 जून तक लू चलने की संभावनाएं नहीं है। राजस्थान में बारिश का अनुमान। दोस्तों जयपुर के मौसम कार्यालय ने कहा है कि राजस्थान के कुछ हिस्सों में रविवार से हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई और इसके कहा गया है कि बांसवाड़ा के केसरपुरा में 30 मिलीमीटर और पाली में 33 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। अजमेर, कोटा और चूरू में आगे 12 जून तक बारिश होने की संभावना है। विभाग ने मंगलवार को कोटा और उदयपुर संभाग में हल्की बारिश होने का अनुमान जताया है। पंजाब और हरियाणा में तापमान कम रहेगा। साथ ही उत्तर प्रदेश के हाल के दिन बात करें तो यहाँ पर झांसी सबसे गर्म स्थान रहा जहाँ पर तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बाद कानपुर में 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, इलाहाबाद में, आगरा में 39.9, इसी प्रकार से जो है अधिक तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया। तो इस कुछ क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में बारिश हो सकती है। तो लेटेस्ट अपडेट मौसम विभाग का, वीडियो को शेयर करें ताकि सब लोग जान सके लेटेस्ट अपडेट को, बता सके देश की सभी कैटेगरी खबरों से अपडेट एवं